हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीए स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो आज जो एग्ज़ाम हुआ है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, सीआरएसयू जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में, तो उसके मैं आंसर की अपलोड कर रही हूँ। जो भी क्वेश्चंस है, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, अगर नहीं देखी है तो देख सकते हो और आंसर की के साथ अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, सेफ जोन में हो या नहीं हो, ठीक है। सो आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे स्कोर करोगे और क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करती हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़ रहे हो, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, चाहे फिर वो एचटेट का एग्जाम दो आप कल को, ठीक है, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, या फिर DTSSP का एग्जाम दो या KVS का, ठीक है, एक अच्छा टीचर बनना चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं स्क्रीन पर। द आइडियल टीचर, जो एक आदर्श अध्यापक होता है उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होती है, बेसिकली ये बताना है। ऑप्शन ए, कवर्स द होल सिलेबस इन क्लास, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा दे, जो वो है आदर्श अध्यापक। ऑप्शन बी है, हेल्प्स स्टूडेंट्स इन लर्निंग, अधिगम में अपने बच्चों की सहायता करे, बात सही है ये भी। ऑप्शन सी है, एक फ्रेंड फिलोसफर गाइड हो, और ऑप्शन डी है, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करे, ठीक है, बच्चों को बिल्कुल ही चुप रखे, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करे। तो बेटा इस पर तो बिल्कुल ही कांटा लग जाता है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये चीज भी नहीं हो सकती कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर ही ध्यान दे, और बेसिकली फंसते हम दो चीजों में, बच्चे को लर्निंग में भी हेल्प करे, लेकिन यहां ये जो है ना, ये वाला ऑप्शन, फ्रेंड फिलोसफर गाइड, ठीक, एक मार्गदर्शक के तौर पर, एक दर्शन शास्त्र के तौर पर, एक जो मित्र के तौर पर बच्चों को जो ज्ञान प्रदान करे, वो है एक आदर्श अध्यापक। तो ऑप्शन नंबर सी बी से बेटर है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सा लर्निंग का या अधिगम का प्रोडक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्किल, ऑप्शन बी इज नॉलेज, ऑप्शन सी इज मैच्योरेशन, ऑप्शन डी इज एप्लीकेशन। तो बेटा स्किल हो गया, ये भी आपका अधिगम का जो कौशल आपके डेवलप होते हैं, कौशलों का विकास होता है, ये भी लर्निंग का ही प्रोडक्ट है, उत्पाद है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नॉलेज, नॉलेज भी लर्निंग का ही हिस्सा है, एप्लीकेशन भी लर्निंग का ही है कि जो आपने ज्ञान अर्जित किया उसको आप कहीं पर यूज़ कर रहे हो। मैच्योरेशन इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैच्योरेशन। जो भी बच्चे सी करके आए हैं ना, वो सब सही है, ठीक। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन है, प्ले हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। जो बच्चे खेलते हैं, ठीक है, एक तरीके से प्ले को आप ये गेम्स ले सकते हो, ठीक, जो खेल होता है वो किस चीज़ में, जो यंगर बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके किस विकास में सिग्निफिकेंट रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, किस चीज़ में अपनी बहुत ही अहम भूमिका देता है, ये चीज़ तो है, लेकिन किस में नहीं देता, हमें ये बताना है। एक्सेप्ट पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो भूमिका नहीं देता है बच्चों के डेवलपमेंट में, विकास में। सो ऑप्शन ए है, दे गेन मास्टरी ओवर द बॉडी, ये हो जाएगा सही, और हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ये आंसर नहीं हुआ, इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, ये भी आंसर सही है। इट इज़ जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम, ये एक अच्छा जरिया है जिसकी वजह से अपना टाइम स्पेंड कर सके। दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न वेन टू यूज़ देम, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि ये सिर्फ एक अच्छा तरीका है जिससे अपना समय को आप बिता सको, ठीक है, एक स्पेंड टाइम करने का अच्छा तरीका है, लेकिन गेन मास्टरी हमें पूछा है कि डेवलपमेंट का, ठीक, तो डेवलपमेंट का यहाँ पर कोई योगदान नहीं है, इस वजह से सी आंसर इसका सही है। जो भी आंसर, जो भी बच्चे इसका आंसर सी करके है, वो सब सही है। क्वेश्चन नंबर 24 पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर देख सकते हो। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स एडोलेसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, जो किशोरावस्था है उसकी विशेषता को कौन सा शब्द बहुत अच्छे तरीके से बयान करता है। ऑप्शन ए इज़ एडजस्टमेंट, ऑप्शन बी इज़ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी बदलाव, चेंज, ऑप्शन डी डिपेंडेंस। ठीक, डिपेंडेंस तो इसका हो नहीं सकता, ठीक
और देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है बिटवीन ए एंड सी कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी बच्चे एडोलेसेंस में होती है। एडोलेसेंस के अंदर बच्चे जो है बहुत ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं एक पर्सन के अंदर, तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है और चेंज बदलाव भी उनके अंदर आते हैं। तो ये ना यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन ए को मानते हैं या सी को। तो इसमें थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि मैं कंफर्म नहीं हूँ ए या सी में से आंसर होगा। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार रोल ऑफ अ टीचर, टीचर का क्या रोल है? पहला है अथॉरिटेटिव, दूसरा है डिक्टेटोरियल, सी इज परमिसिव, डी इज फैसिलिटेटिव। सो जो भी बच्चे इसका आंसर फैसिलिटेटिव करते हैं करके आए ना, वो सब सही है कि एक बच्चों को फैसिलिटेट करने का जो रोल है ना वो बताया गया है NCF 2005 में टीचर का। सो फैसिलिटेटिव इज़ द राइट आंसर, अथॉरिटेटिव तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा और डिक्टेटोरियल भी, क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव कह सकते हो या बच्चों को जो बिल्कुल भी डेमोक्रेसी ना दे, फ्रीडम ना दे, उस टाइप का हो जाता है। ठीक है, और परमिसिव में जो बहुत थोड़ी लेवल पर फ्रीडम दे वो चीज़ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पर आप देख सकते हो, विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बच्चों के अगर सही रिस्पॉन्सेज जो बच्चा कर रहा है, ठीक है, अगर वो सही है उसको हम कंटिन्यू रखना चाहे कि बच्चा सही रिस्पॉन्स करे और अप्रोप्रिएट बिहेवियर रहे बच्चे का, ठीक, बिहेवियर जो अच्छा है, अच्छा व्यवहार शो करे, उसके लिए हमें क्या चीज़ करनी चाहिए? इग्नोरेंस, बच्चे को इग्नोर करना चाहिए, स्ट्रिक्टनेस, बहुत ही हमें सख्त हो जाना चाहिए, बच्चे को रिवॉर्ड देना चाहिए या बच्चे को प्रेज करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली इसका आंसर अगर आप डी करके आए हो, प्रेज तो आपका सही है, क्योंकि रिवॉर्ड हर बार आप रिवॉर्ड नहीं दे सकते हो, हर बार आप कोई ऑब्जेक्ट बच्चे को नहीं दे सकते हो। तो अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए सही जवाब दिया या कुछ भी सही किया, ठीक, तो आप उसकी तारीफ कर रहे हो कि शाबाश बच्चे, इस तरीके से कोई भी आप प्रेजिंग वर्ड्स उनके सामने कह रहे हो, तो दे आर चांसेस कि करेक्ट रिस्पॉन्स और अप्रोप्रिएट बिहेवियर इंक्रीज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ब्रूनर आइडेंटिफाइड 3 मेजर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ। ठीक, संज्ञानात्मक वृद्धि की 3 स्टेजेस दी है ब्रूनर ने, ठीक, और इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है? ठीक, तो करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो बच्चे इसका जो राइट आंसर है ना वो है इनेक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इनेक्टिव आता है, देन आइकॉनिक और फिर सिंबॉलिक। तो जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर सी करके आया है वो सब सही है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, प्याजे के अनुसार कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज की जो आयु होती है ना वो कितने से कितने वर्ष तक होती है? बेसिकली 4 स्टेजेस है प्याजे ने जो दी है। पहली दी है सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज जो कि 0 से बर्थ से 2 साल तक होती है। ठीक है, जो 0 से 2 साल तक होती है। फिर आ जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। फिर आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 से 12 वर्ष तक होती है। और उसके बाद आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 से 14-15 वर्ष तक होती है। तो ये हमें पूछा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 to 11 years। जो भी बच्चे 7 से 11 करके आए वो सब सही है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, थॉर्नडाइक डेवलप्ड द, कौन सा लॉ थॉर्नडाइक ने दिया है, कौन सा नियम थॉर्नडाइक ने दिया है? लॉ ऑफ एफर्ट, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इल्यूजन एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? लॉ ऑफ इफेक्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो भी लॉ ऑफ इफेक्ट करके आए हैं ना वो सब सही है। बेसिकली 3 लॉज दिए हैं किसने, थॉर्नडाइक ने। लॉ ऑफ एक्सरसाइज दिया है, लॉ ऑफ इफेक्ट दिया है एंड एक और दिया है। ठीक है, तो 3 दिए हैं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर थर्टी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। हम सब एक दूसरे से अलग है बुद्धि के मामले में, अभिप्रेरणा के मामले में, इंटरेस्ट के मामले में। तो ये जो प्रिंसिपल है ना ये किस चीज़ को शो कर रहा है? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हम जो एक दूसरे से अलग है इन केस ऑफ
इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, तो इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता इसका सही उत्तर होगा। जो भी बच्चे ए करके आए हैं वो सब सही है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सा डोमेन ऑफ लर्निंग है। बेसिकली 3 डोमेन्स है लर्निंग के, ठीक है। फर्स्ट इज आप कह सकते हो कॉग्निटिव, ठीक, कॉग्निटिव जो आपके बुद्धि से रिलेटेड है, जो आपके हेड से रिलेटेड है, दिमाग से रिलेटेड है। दूसरा आ जाता है एफेक्टिव, जो आपकी फीलिंग से रिलेटेड है, ठीक है, जो आपके हार्ट से रिलेटेड है, दिल से रिलेटेड है, फीलिंग से रिलेटेड है। तीसरा आ जाता है कॉग्निटिव जिसको कहते हैं, या फिर साइकोमोटर जिसको कहते हैं। तो तीसरा आ जाता है साइकोमोटर, जो आपके हैंड से रिलेटेड है, जो आप स्किल्स डेवलप करते हो उन सब से रिलेटेड है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अफेक्टिंग इज राइट आंसर, ठीक। अफेक्टिव डोमेन होता है जो हार्ट से रिलेटेड होता है, ना ही स्पिरिचुअल होगा, ना ही प्रोफेशनल होगा और ना ही एक्सपीरियंशियल होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पर आप देख सकते हो। द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस, जो बहुत ही ज़रूरी क्रूशियल सोशलाइजेशन कहाँ पर कौन सी एज में होती है। पहला है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन, कि पूरी उम्र तक हो, ठीक। ऑप्शन बी इज़ ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ऑप्शन सी इज़ ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन डी इज़ ड्यूरिंग एडल्टहुड। सो क्रूशियल जो सोशलाइजेशन होती है ना बेसिकली, वो आपकी हो जाएगी कहाँ, कब, ये हो जाएगी आपके ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। इसका होने का ज़्यादा चांसेस है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इस यही एज होती है जब बच्चा घर से निकल करके अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में नए नए दोस्त बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और स्कूल भी जाता है, ठीक। तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा, इस वजह से क्रूशियल फेज है ये सोशलाइजेशन की। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33, अ फ्यू स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर एक्सेप्शनली ब्राइट, यू विल टीच देम। बहुत ही अधिक उत्तम बच्चे हैं, ठीक, एक्सेप्शनली ब्राइट है, इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसको आप किस तरीके से पढ़ाओगे। ऑप्शन ए अलोंग विद द क्लास, क्लास में जो बच्चे हैं दूसरे उनके साथ ही, अलोंग विद हायर क्लास जो उनसे बड़ी क्लासेस के हैं, जैसे कोई बच्चा सिक्स्थ में है तो उसको एट्थ क्लास वाले बच्चों के साथ बिठा दो इस तरीके से। ऑप्शन सी इज़ बाय यूजिंग एनरिच्ड प्रोग्राम्स, एंड ऑप्शन डी इज़ ओनली व्हेन दे वांट, जब सिर्फ वो पढ़ना चाहे तब। तो ये बेटा ये वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, बाय यूजिंग एनरिच्ड प्रोग्राम होगा। कैसे, क्या मतलब हुआ इसका, ये जानना ज़रूरी है बेटा। जैसे मान लीजिए सिक्स क्लास की ही बात कर रही हूँ, सिक्स क्लास में है जो कि कुछ बच्चे एक्सेप्शनली ब्राइट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको आधा सिलेबस पहले ही आता है, तो उनके लिए क्या करोगे। जो बच्चा, जो आप पूरी क्लास को पढ़ा रहे हो, अगर आप वही चीज़ उनको पढ़ाओगे तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे पढ़ाई में। इस वजह से ना उनको हमें एक्स्ट्रा वर्कशीट्स देनी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें देनी होती है जो उनको चैलेंजिंग लगे और जो उनको नहीं आती, ठीक। तो इसलिए हमें एनरिच्ड प्रोग्राम यूज़ करना पड़ता है। जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, जैसे बाकी क्लास को अगर हम वन डिजिट का एडिशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वन डिजिट के एडिशन पढ़ा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए जो एक्सेप्शनली ब्राइट है उनको हम टू डिजिट्स के एडिशन करा सकते हैं। अगर टू डिजिट के भी आते हैं तो हम उनको 3 डिजिट्स के एडिशन करा सकते हैं। तो ये हो जाता है एनरिच्ड प्रोग्राम, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी अगर आप लोग करके आए तो वो सही उत्तर है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 34, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर, जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का जो एरिया है वो क्या है। ऑप्शन ए जेंडर डिफरेंसेस, बॉडी स्ट्रक्चर, मेंटल एबिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 35, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज फंडामेंटली कंप्लीटेड इन, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो फंडामेंटली कहाँ पर कंप्लीट कराया जाता है, क्लासरूम में, स्कूल में, सोसाइटी में, होम। सो ऑप्शन नंबर ए है क्लासरूम, बी है स्कूल, सी है सोसाइटी एंड डी है होम। तो बच्चे देखिए, यहाँ क्लासरूम में और स्कूल में कन्फ्यूज़न हुई होगी बच्चों को, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ना वो स्कूल होगा, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ना कहाँ पर, स्कूल में किया कराया जाता है। तो यहाँ पर हम ब्रॉड लेवल पर देखेंगे, स्कूल इसका राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी करके आए ना वो सब सही है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 गायब है, 37 देख लेते हैं।
लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ना अधिगम अक्षमता इनमें से सभी कारणों से हो सकती है लेकिन एक को छोड़ करके वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से अधिगम अक्षमता नहीं हो सकती। पहला है सेरिब्रल डिसफंक्शन कि जो आपका आपके जो ब्रेन का पार्ट होता है ना सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो सेरिब्रल डिसफंक्शन हो तब हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, इसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। ऑप्शन बी है इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल संवेग डिस्टर्बेंस कह सकते हो, इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल चांसेस है। ऑप्शन सी है बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, इसकी वजह से भी हो सकती है लेकिन कल्चरल फैक्टर्स की वजह से नहीं हो सकती, ठीक है, जो आपके सांस्कृतिक कारक है उनकी वजह से आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हो सकती। तो सी डी जो भी करके आए हैं ना वो सब सही है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 38। विच डोमेन इज कंसर्न विद फिजिकल एंड मोटर स्किल्स, अभी मैंने ना तीन टाइप के डोमेन्स आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, अभी मैंने तीन टाइप के डोमेन्स आप लोगों को बताए हैं कि एक होता है कॉग्निटिव जो आपका हेड से रिलेटेड होता है, नॉलेज से रिलेटेड होता है, दूसरा बताया मैंने आपको एफेक्टिव जो आपका हार्ट या फिर फीलिंग से रिलेटेड होता है, तीसरा मैंने बताया आपको साइको मोटर जो आपका किससे जो आपके फिजिकल और मोटर स्किल से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन सी जो है ना वो सही आंसर हो जाएगा, जो भी बच्चा सी करके आया है ना वो सब सही है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बेसिकली दो टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। द चाइल्ड इज ब्लैक इन कलर, द चाइल्ड इज फैट, द चाइल्ड लाइक्स पोटैटो, द नोज ऑफ द चाइल्ड इज शार्प। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेज में बेसिकली हम जो पूरे तरीके से इंडिविजुअल व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको देखते हैं ऊपरी तौर पर, और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में उसकी क्या क्षमताएं हैं, उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है वो चीज़ देखते हैं इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस में। तो इसका सही आंसर बेटा हो जाएगा कौन सा नहीं है पूछा है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस का एग्जाम्पल, तो द चाइल्ड लाइक्स पोटैटो इज द राइट आंसर, जो भी आंसर सी करके आए हैं वो सब सही है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इमोशनल डेवलपमेंट संवेगात्मक विकास के लिए इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो सूट करता है बेस्ट। ए है डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। बी है टीचर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट ही ना हो, ठीक, एज इट इज़ द टास्क ऑफ पेरेंट, क्योंकि ये सिर्फ पेरेंट्स का काम है और टीचर्स का कोई काम नहीं है कि इन्वॉल्व हो, ये गलत हो जाएगा। सी कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए, बिल्कुल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है ये भी, और ये भी बात आ जाती है ऑथोरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट, ये भी गलत हो जाएगा कि बच्चों को कोई फ्रीडम ही ना। तो डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट अगर होगा तो बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ हो गई है आपके 40 तक क्वेश्चंस, नेक्स्ट जो 40 क्वेश्चंस रहते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अगेन कहना चाहूँगी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट जो बनेगा उसमें आप लोगों से मुलाकात होगी।